खेल मंत्री अशोक चांदना द्वारा डिस्कॉम इंजीनियर के साथ बदसलूकी का मामला पिछले लंबे समय से सियासी सुर्खियों में रहा है। इस मामले में कर्मचारी संगठन तो पहले ही खेल मंत्री के खिलाफ आंदोलनरत थे, लेकिन पिछले दिनों इस मामले में मीणा समाज से आने वाले भाजपा के सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी कूद गए थे। अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने भी मीणा की मांग का समर्थन करते हुए जनप्रतिनिधियों को अपने मर्यादा में रहने की नसीहत दे डाली। और जहां तक मंत्री पर कार्रवाई का सवाल है, उस पर वो बोले कि सीएम को ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था। हालांकि भाजपा के इन दोनों दिग्गज नेताओं की राय खेल मंत्री अशोक चांदना के मामले में सियासी हो सकती है, लेकिन भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल की राय अपनी ही पार्टी के नेताओं से थोड़ी जुदा है। आप खुद ही सुन लीजिए। जो आदमी जितने बड़े पद पर बैठा रहता है, उसकी छोटे लोगों के साथ सम्मानजनक व्यवहार रहना चाहिए। कहीं असावधानियां गलतियां हो सकती हैं किसी से भी, उसको परिमार्जित करने के लिए हाथ उठाना मैं उचित नहीं समझता हूं। मान करते हैं कि आपके ही जो सांसद थे किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने इस तरीके की मांग करी है, इस मंत्री को बर्खास्त करा। मांग करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, ये काम स्वतः ही हो जाना चाहिए था। अब मारपीट करना गलत है, पर कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, कोई ब्यूरोक्रेसी का व्यक्ति हठधर्मिता अपना ले, नंगा नाच नाचने लगे, तो मानो स्वभाव है भाई, आपके दिमाग में भी प्रतिक्रिया आती होगी, ऐसा थोड़ी होता है। और आप बिल्कुल आदर्श बात करके उस पर पर्दा थोड़ी डाल सकते हो सच्चाई पे, ये क्या बात है, झूठ क्यों बुलवाना चाहते हो भाई, झूठ बोले, पॉलिश्ड बात। गुजर समाज से आने वाले तेज तरार भाजपा नेता प्रहलाद गुंजल के अनुसार ब्यूरोक्रेसी पर राजनीति का अंकुश रहना बेहद जरूरी है, और यह अंकुश हटा तो ब्यूरोक्रेसी का नंगा नाच करना तय है, जिससे जनता त्राहिमाम करेगी। गुंजल के अनुसार 2% अधिकारी भी ईमानदार नहीं है, और अधिकारियों ने भ्रष्टाचार को सिस्टम बना लिया है और उसी सिस्टम से वो काम भी करते हैं। तो गया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राजनीति का अंकुश जिस रोज ब्यूरोक्रेसी पे से खत्म हो जाएगा, उस रोज ब्यूरोक्रेसी नंगा नाच नाचेगी और जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर देगी। थोड़ा बहुत आप लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि केवल राजनीतिक लोगों को ही किसी घटना पर एक्सपोज करना, ये जनता के बचाव के रास्ते खत्म करने की बात है। ब्यूरोक्रेसी कहीं से ईमानदार लगती है क्या? 2% लोग नहीं होंगे जो ईमानदारी से काम करते हैं, वो भ्रष्टाचार को सिस्टम कहते हैं, सब काम सिस्टम से होता है। गुंजल ने इस दौरान खुद का उदाहरण देते हुए मीडिया को नसीहत भी दी और कहा कि वो भी इस बारे में विचार करे और केवल राजनीतिक लोगों के ऐसे घटनाक्रम को ही एक्सपोज करके जनता के बचाव का रास्ता को बंद ना करे। दरअसल भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल इस मामले में पहले से ही भुगतभोगी रहे। विधायक रहते हुए कोटा सीएमएचओ के साथ उनकी दबंगई का ऑडियो सुर्खियों में रहा था और भाजपा संगठन द्वारा उन पर अनुशासन का डंडा भी चला था, लेकिन अपनी दबंग छवि के चलते गुंजल अपनी बात से पीछे नहीं हटे। वहीं खेल मंत्री अशोक चांदना गुजर समाज से ही आते हैं और गुंजल भी गुजर समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में पार्टी लाइन से अलग हटकर प्रहलाद गुंजल इस पूरे विवाद में खेल मंत्री अशोक चांदना के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं, जिससे संकट में पड़े मंत्री अशोक चांदना को भी राहत की सांस मिली होगी। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से पीयूष शर्मा की रिपोर्ट।